दोस्तों आज होटल से रिलेटेड कुछ इमोशनल बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले होटल, रेस्टोरेंट, किचन, ढाबा और फास्ट फूड के ओनर को एक चेतावनी मैसेज देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सस्रिकाल, वड़कम। मैं हूँ बादशाह बाबू और हमेशा की तरह डायरेक्ट दिल से इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस आने के वजह से बहुत सारा होटल बंद हो चुका है, बस कुछ दिनों के लिए, कोरोना वायरस के वजह से। और होटल के एम्प्लॉय यानी कि होटल के स्टाफ का कोई खबर नहीं है और कुछ भी पता नहीं है, खाना खाया कि नहीं और खाना है कि नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि आपको स्टाफ का ज़रूरत अभी नहीं है, फिलहाल होटल बंद है। इसलिए मैं होटल के ओनर से पूछना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो आप? शायद कुछ भूल रहे हो। अभी स्टाफ को आपकी ज़रूरत है। कल जब होटल ओपन था, जब खुला था, आपको स्टाफ की ज़रूरत थी। 22 मार्च से एक कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से हर एक होटल बंद हो चुका है। आज ऐसी परिस्थिति में भी साथ छोड़ देते हैं ऐसे ओनर, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है काम कराने के लिए तो आपसे काम करवा लेते हैं। आज आपकी ज़रूरत है तो आपका कॉल भी नहीं उठाते होंगे, पूछते भी नहीं होंगे। बहुत सारे एक एक ओनर ऐसे भी हैं, जान दे देते हैं। भाई, स्टाफ के लिए बिजनेस है, स्टाफ के लिए रेस्टोरेंट चलता है। अगर स्टाफ सही नहीं होगा तो आप बर्बाद हो सकते हो। कुछ कुछ ओनर ऐसे भी हैं फेलियर, खुद रेस्टोरेंट चला नहीं सकते, कुछ होटल, किचन, फास्ट फूड कुछ भी नहीं चला सकते, उनसे होता ही नहीं है, लेकिन स्टाफ का दोष दे देते हैं। अगर मेरे बात में सहमत हैं, हर एक एक स्टाफ के पास ये वीडियो पहुंचाइए, हर एक एक होटल के ओनर के पास ये वीडियो पहुंचाइए। अगर मेरा बात सुन रहे हैं तो कोरोना वायरस ख़त्म होने तक स्टाफ का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पूरा हवाई यात्रा, रेल, बस सब बंद हो चुका है, कहीं नहीं जा सकते। स्टाफ रूम में, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, खाने का सुविधा नहीं रहता है। और उनको हेल्प कीजिए, राशन और जो भी उनके ज़रूरत का सामान है लाके उन तक पहुँचाइए, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं होता। कहना 10 तारीख आने वाला है, सैलरी तो नहीं होगा, अगर एडवांस मांगा भी होंगे तो आप दिए होंगे कि नहीं पता नहीं। मैं भी एक चप हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लोग कहाँ कहाँ से आपके पास आके काम करते हैं, आपके भरोसे और विश्वास से। आप ऐसे सिचुएशन टाइम में अगर छुप जाएंगे, कॉल नहीं उठाएंगे और स्टाफ से आके मुलाकात नहीं करेंगे, स्टाफ से बात नहीं करेंगे, स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे, स्टाफ का ज़रूरत नहीं देखेंगे, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? क्या आपका बिजनेस नहीं चला? क्या आपका बिजनेस में लॉस हो गया? क्या आपका कुछ पेंडिंग है पैसा जो नहीं मिला तो इसलिए स्टाफ को नहीं दे रहे? अभी स्टाफ को सिर्फ कुछ पैसा, खाना पीने का ही ज़रूरत है, क्योंकि हर एक दुकान, हर एक शॉप बंद हो चुका है। आप तो घर में आराम से बैठ के खाते होंगे, कभी सोचे स्टाफ के बारे में? आइए देखते हैं तस्वीरें होटल स्टाफ की। 10 से 15 लोग कलकत्ता, उड़ीसा और झारखंड के, केरला में कोई होटल में काम करते वक्त कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के वजह से आज फंसे हुए हैं। केरला में कोचिकोड़ी डिस्ट्रिक्ट और चल्लागट्टा में ये सब लोग वहीं कोई एक होटल में काम कर रहे हैं। आज बहुत परेशान है, शायद उनके पास खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और पैसा भी नहीं है और घर भी जा नहीं सकते हैं। इनका मदद कौन करेगा, या ओनर या दूसरा कोई और? फिलहाल मेरा कहना है कि ओनर को करना पड़ेगा मदद, क्योंकि अगर सब बंद हो चुका है, कहीं जा नहीं सकेंगे, तो कुछ तो उनके लिए पैसा और खाने पीने का इंतज़ाम तो कर सकते हैं। क्या इतना भी आप नहीं कर पाएंगे? ऐसे ही कल 3 मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आया था। सबसे पहले विशाखापट्टनम में 7 से 8 लोग वहाँ भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। उसके बाद हैदराबाद में काफ़ी सारे लोग हैं होटल के स्टाफ, वहाँ भी फंसे हुए हैं। और बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी महादेवपुरा व्हाइटफील्ड में अलग अलग जगह में 3 होटल में बहुत सारे स्टाफ फंसे हुए हैं।
क्योंकि उनके खाने पीने का व्यवस्था नहीं है और उनको सैलरी भी नहीं मिला और ओनर का कोई पता ही नहीं है, ना फ़ोन उठता है ना कोई बात होता है। बिजी 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 बिजी, अगर 10 कॉल करने के बाद एक कॉल उड़ता है, वो भी आ रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट रास्ते में रोड पे हूँ, ये है वो है, बहाना करते 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 वो दिन गुजर जाता है। देखिए, अगर आप कोरोना वायरस से बचने के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या घर में इंतज़ाम कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है, एक आपके पास होटल में आपके भरोसे में अगर आके काम कर रहे थे, क्या अच्छा ये प्रॉब्लम आया बोल के आप छोड़ देंगे उनको? एटलीस्ट सैलरी नहीं दे सकते तो उनका खाने पीने का व्यवस्था तो कर सकते हैं, उनका रहने का तो व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ दिनों की तो बात है, फिर वही स्टाफ आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या करोगे आप, दूसरे स्टाफ को खोजोगे? चले स्टाफ में आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मेरे बात में सहमत हैं तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। हर एक स्टाफ को भेजिए, हर एक ओनर के स्टाफ को भेजिए, हर एक होटल में काम करने वाले सबको भेजिए। कोई भी होटल में अगर आप काम करने जाते हैं, 10 दिन या 15 दिन में काम करके आप परख लेना चाहिए ये होटल सच में सही है कि गलत है, इसका ओनर परफेक्ट है कि नहीं है, और होटल में बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे अगर बिजनेस चल रहा है तो ऐसे होटल में काम करना चाहिए, ऐसे आंजी पिंजी होटल में मत करिए काम। शायद 10 दिन आप बैठ जाइए, काम के तलाश में दूसरा काम कर लीजिए, क्योंकि काम लेने के टाइम में बाबू बेटा अदरक लहसुन पुदीना बोल के बहुत सारे होनर हैं काम कराने वाले, लेकिन ऐसे टाइम में साथ नहीं देते। अब मैं स्टाफ को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शेफ हूँ, देखिए तस्वीर, और मैं भी अभी भी एक होटल में काम कर रहा हूँ, वही हालत है आपको जो मैं बता रहा हूँ, मेरा भी वही हालत है। देखिए आपसे बोल रहा हूँ होटल के स्टाफ, अगर कोई से भी रेस्टोरेंट होटल किचन ढाबा फास्ट फूड कहीं भी काम करना अगर जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर काम के समय आपको बाबू बेटा अदरक लहसुन पुदीना बोल के अगर काम करा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, तो समझ लेना कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मेरा यहाँ कोई नहीं, तो वहाँ से बहुत जल्दी निकलने का कोशिश करना, क्योंकि ऐसे होटल में आप टिक नहीं पाओगे, सैलरी बराबर नहीं मिलेगा और आपको जो चाहिए वहाँ पे नहीं हो पाएगा, हर सिस्टम बिगड़ा हुआ रहेगा वहाँ पे। और जहाँ पे मेंशन बराबर हो रहा है ड्यूटी का टाइम टेबल, खाने पीने का टाइम टेबल और सैलरी का टाइम टेबल, वहाँ पे समझ लेना कि परफेक्ट टाइम में पैसा मिलेगा, वहाँ रुकना चाहिए। चलो इतने ही कह के मैं विराम लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक डायरेक्ट दिल से इंडिया। जी हाँ, एक बात बोलना भूल गए आप लोगों को, कोरोना वायरस को मजाक में मत लीजिए, कोरोना वायरस एक इतना खतरनाक वायरस है, आपको आपकी जान और परिवार ले सकता है। समय समय पर हाथ धोते रहें और घर में बैठें। असली देशभक्त बनना है तो घर में बैठ के बनिए, रोड पे नहीं। जान है तो जहां है, बस इतने कह के बहुत बहुत धन्यवाद।